तो क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर क्या होता है तो क्लोर एल्कली प्रोसेस सबसे पहले यूज की जाती है एन की प्रिपरेशन के लिए तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम एनए का यूज करते हैं और उसको वाटर में डाल के और हमें क्या मिलता है एनएच प्लस सी प्लस एच तो क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर हम एनए का यूज करते हैं वाटर के साथ और हमें क्या मिलता है एन मिलता है सी मिलता है और एच मिलता है तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई गलत हो गई क्योंकि एन प्रिपेयर नहीं किया जाता है क्लोर क्लोर प्रोसेस में NaCl का यूज किया जाता है एन को बनाने के लिए नेक्स्ट है इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ये स्टेटमेंट सही है कि एनए एक वाइट कलरलेस सॉलिड या फिर वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉक कोल्ड रॉक सॉल्ट ये भी सही है कि ये रॉक सॉल्ट इसको एन को रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है या फिर ये रॉक की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है नेक्स्ट है इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट अट्रल सोल्ट विदीच सेवन तो जब हम एन को वाटर में डालते हैं तो ये क्या बनाता है एनएच प्लस एच यानी कि एक तो स्ट्रोंग बेस बनाता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रोंग एसिड अगर सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो पीएच कितनी होगी सेवन यानी कि न्यूट्रल पीएच होगी तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गई तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हुई सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ ऑप्शन फोर्थ कि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन करेक्ट हैं होप यू अंडरस्टूड थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें या डाउट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ पर